समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोगों का बहुतायत मात्रा में शोषण होता था। जिन 400 सीटों की बात कर रहे हैं, वो 400 सीट पे अपने नहीं उतार पा रहे हैं, तो 400 सीट जीतने और हारने की बात कैसे करेंगे? जैसे हम समाजवादी खाली प्लाट के आदि, बेटी बहन सुरक्षित है, इससे बड़ा और सुरक्षा क्या हो सकता है? हम तो सुरक्षा के पर वोट दे रहे हैं, सबसे मूल हमारा है सुरक्षा। कहीं से 400 सीटें तो दूर 40 सीटें भी आने की संभावना कहीं नहीं है। कांग्रेस, BSP, अखिलेश जी सब जाएंगे। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप DNP इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और इसी बीच इस समय हम पहुंचे हैं कानपुर देहात में। कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में हम हैं इस समय और मेरे पीछे ये जनता है। इन लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में रसूलाबाद किन मुद्दों पे वोट देने जा रहा है और किसे वोट देने जा रहा है। क्या रसूलाबाद की जनता इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके आना चाहती है, या इस बार ये परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, या फिर बसपा की सरकार आएगी, या फिर कांग्रेस की सरकार आएगी? तो ये सीधे जो जनता यहाँ पे है उन लोगों की प्यास हम चलते हैं और सीधे इन्हीं लोगों से जानते हैं। दादा नाम क्या है? आलोक अवस्थी। आलोक जी, ये बताइए कि कानपुर देहात में कितना काम हुआ है, आपके विधानसभा क्षेत्र रसूलाबाद में कितना काम हुआ है? सभी प्रकार का काम हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, दो बार राशन मिल रहा है लोगों को, किसान सम्मान निधि मिल रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वो जी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली युवाओं के लिए रोजगार देने वाली सरकार फिर बनेगी। अभी तक निर्मला संखवार जी भारतीय जनता पार्टी से विधायिका थी, उन्होंने कैसा काम किया? काम कराया। भैया नाम बताइए। हमारा नाम है गौरव सिंह। कितना काम हुआ है रसूलाबाद में? हमारी रसूलाबाद विधानसभा में बहुतायत मात्रा में काम हुआ है। सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं आ रही हैं, वो हमारे अंत्योदय तक योजनाएं पहुंची हैं। इस बार यहाँ से फिर से कमल का फूल खिलेगा? जी बिल्कुल, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अखिलेश यादव 400 सीटों की बात कर रहे हैं। 400 सीटें तो आप छोड़िए, जो आपके TV चैनल के सर्वे दे रहे हैं उनसे भी उनकी सीटें आधी रह जाएंगी। मतलब जो 100-150-200 अलग अलग चैनल के अलग अलग रुझान है उससे भी कम, उससे भी आधी हो जाएंगी। अच्छा, इस बार रसूलाबाद की जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में वोट देने का एक सबसे पहला रीजन ये है कि जो हमारा विधानसभा 205 जो हिस्सा है कन्नौज लोकसभा का, अब जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोगों का बहुतायत मात्रा में शोषण होता था। जैसे हम समाजवादी खाली प्लाट के आदि, इस टाइप की कहावतें आपको सुनने में आई होंगी। तो जो आज यहाँ पे लोगों का है कि एक गुंडागर्दी खत्म हो गई। रात में 12 बजे आप यहाँ से प्रस्थान करिए, कहीं आपको जाना है तो निर्भीक होके आप अपने गंतव्य मार्ग तक जा सकते हैं। सबसे सबसे बड़ी जो सरकार की उपलब्धि है ये। तो क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं था? नहीं, समाजवादी की पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा जो था वो गुंडागर्दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है, रामराज ला दिया। जी, जिसको हम पूर्णतया 200% कह सकते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में पूर्णतया रामराज विस्थापित हो चुका है। ये इस बार रसूलाबाद की जनता किसे चाहती है, कमल का फूल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी? नहीं, पुनः वही आने चाहिए हमें, जो है बस BJP अभी बाबा का जो है पूरा संकल्प कहाँ हुआ है, 5 साल तक का, फिर अभी जो है तभी काम जो है पूरा होगा। हाँ, ऐसे कहा जो है, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, 5 साल और लाना पड़ेगा क्या? 5 साल, हाँ, दूसरे देश के लिए, वो सभी के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर्सनल का कर ही रहे हैं, बल्कि भाई दूसरे देश से जो है अच्छे संबंध कर रहे हैं, ये अभी तो पूरे कार्य होना है। हाँ, तो अभी तो 5 साल की आवश्यकता है बाबा को। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये जो सपा वाले हैं ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में काम नहीं हुआ है, यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहती है। अखिलेश यादव कहते हैं हम 400 सीटें जीतेंगे, तो क्या ये जो कह रहे हैं ये मुमकिन है? नहीं भाई, ये तो नहीं, क्योंकि हम जो है मतलब 50 साल की उम्र हो गई, हमने करीबन कई प्रधानमंत्रियों को देखा, इतना जितना इन्होंने किया है इतना तो शायद किसी ने हमारे जीवन में तो नहीं किया। फिर वो आगे भविष्य में या जो है चाचा नेहरू वो जो करते हो तो करते रहे। ये बहुत बढ़िया सरकार है और भय मुक्त है, सबसे बढ़िया यही काम है। तो प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे मुख्यमंत्री की? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, तो उन्हीं के तो सब वो है ही, ऊपर से नीचे तक का सीढ़ी तो वही जो है बस, तो कमल होगा। फिर से कमल? हाँ, कमल। भैया नाम क्या है? कृष्ण प्रताप सिंह।
क्या चाहती है इस बार रसूलाबाद की जनता? कि रसूलाबाद की जनता विकास चाहती है, विकास हुआ है, जो विकास बाकी है वो आगे 5 साल में फिर होगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बराबर विकास कर रही है और उसी के तहत हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरा मैदान में है। 400 सीट की बात कर रहे हैं तो क्या उनका कुछ नहीं? अखिलेश यादव जिन 400 सीटों की बात कर रहे हैं वो 400 सीट पे अपने प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं, तो 400 सीट जीतने और हारने की बात कैसे करेंगे? आप भी गाँव गाँव जा रहे हैं, सर्वे समझ में आ रहे हैं, मीडिया के सर्वे क्या है आप भी देख रहे हैं, उनका मैनेजमेंट ही नहीं, ट्विटर पे बैठे बैठे ट्विटर खेल रहे हैं। इतना है तो कहीं से 400 सीटें तो दूर, 40 सीटें भी आने की संभावना कहीं नहीं है। अखिलेश यादव अपने मैनिफेस्टो में लेके आए हैं कि इस बार हम अगर जीत जाते हैं तो 300 यूनिट तक बिजली माफ कर देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे साल में। देखिए वो लोग आज बिजली माफी की बात कर रहे हैं जिन लोगों के कार्यकाल में आपने देखा कि 7 घंटे 8 घंटे बिजली दिन और रात के हिसाब से आती थी। जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली माफ क्या करेंगे? वो लोग आज भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं जिनके सर पर जो टोपी है वो भ्रष्टाचार की ही लगी हुई है। वो लोग आज गुंडागर्दी खत्म करने की बात कर रहे हैं जिनकी पार्टी ही गुंडों की पार्टी कही जा रही है। आप जनता के बीच में पूछे तो गुंडों की पार्टी कौन है? वो समाजवादी पार्टी है, ये जनता कहती है। तो ऐसे लोग झूठे वादे कर रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, खोखले वादे हैं। जनता सब 2014 में समझ चुकी थी, 2017 में जब बुआ और बबुआ एक हुए, राहुल गांधी जी और अखिलेश जी एक हुए, तब समझ चुकी थी। और आपने देखा कि 2019 में जब बुआ और बबुआ बड़ा गठबंधन होता है उसको भी जनता ने नकार दिया, इसलिए पुनः 2022 के चुनाव में योगी जी की सरकार 350 सीटों से अधिक सीटें लाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी अगुवाई कर रही हैं और प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं। देखिए कांग्रेस की तरफ से लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो कैंपेन जिन्होंने किया था, जो लड़की उसमें छपी हुई, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। तो आप समझ सकते हैं जिसने कहा था मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं वही भारतीय जनता पार्टी में आ गई, क्योंकि आज न कांग्रेस में भारतीय लड़कियां सुरक्षित है, न समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है, न बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के खानदान की बहू आज भारतीय जनता पार्टी में अपने परिवार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। आप देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आज समाजवादी पार्टी में गए हैं, ये फ्यूज झाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बुझ गई है और आज समाजवादी पार्टी में गई, लेकिन उनकी बेटी आज भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित महसूस कर रही है। बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं और जो नेता है यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ऐसे तमाम सारे ऐसे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए। देखिए ये इनको अपनी टिकट कटने का डर था क्योंकि ये जनता के बीच नहीं गए, इन्होंने कोई काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने अपनी बेटे के लिए टिकट मांगी, भारतीय जनता पार्टी पूर्व में टिकट दे चुकी और मना कर दिया गया। बेटी की टिकट कटने का डर हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में चले गए, अपने स्वार्थ फंस गए, कहीं और कोई ऐसा कारण नहीं था। ऐसे में इस समय रीता बहुगुणा अपने बेटे की सीट के लिए भी मांग कर रही है, कह रही है कि हम संसदीय क्षेत्र अपना छोड़ने तक को तैयार है। देखिए बहुत सारे हमारे सांसद, हमारी सांसद जो हैं जो अपने बेटों की टिकट मांग रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी ने तय किया कि जिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद है और उनका बेटा नेता नहीं है, संगठन में कोई काम नहीं किया, कोई अनुभव नहीं है, तो उसको टिकट नहीं दी जाएगी। और कोई भी एक भी टिकट हमने उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं बांटी जो किसी नेता के बेटे को बांटी और बेटा वो कभी संगठन में काम ना किया हो ना आया हो। तो एक और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कह रहे हैं कि जो हमने लैपटॉप बांटा था उसको देखते हुए योगी जी ने वादा तो कर दिया लेकिन उन्होंने दिया नहीं, आखिरी जब चुनावी साल आए यानी 2022 उसमें जाके लोगों को लैपटॉप दिया। देखिए अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा था, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं, ऐसा हम लोग भी जानते हैं, वो बताते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं। लेकिन आप सबने देखा कि जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की और कहा कि वर्चुअल सभाएं की जाएंगी, तो अखिलेश यादव जी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि वर्चुअल सभाएं होती कैसे हैं, उनको ये मालूम नहीं। जब उनके ऊपर 2500 लोगों के ऊपर मुकदमा लिख जाता है तो चुनाव आयोग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि मुझे चुनाव आयोग बताए कि वर्चुअल सभाएं कैसे की जाती हैं। तो ऐसे लोगों की बातें सारी निरर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रही है और आगे भी हम 2022 के चुनाव के बाद डबल इंजन की जो हमारी सरकार है वो आगे बढ़ेगी और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास के साथ काम करेगी। भैया नाम बताइए। अंकुर। इस बार क्या होगा, रसूलाबाद क्या चाहता है? जी बिल्कुल, जो अभी तक रहा है वही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे विकास के बारे में, तो हम भारतीय जनता पार्टी के विकास के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के विकास की। विकास होता था उसमें, गुंडा राज का विकास होता था उसमें, अंधेरे का विकास होता था, रायजनी का विकास होता था, ये सब विकास होते थे समाजवादी पार्टी में। और आज जो बीजेपी में देख रहे हैं लोग, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, रात में 9 बजे 10 बजे कभी भी आप निकल जाइए, कोई भी दिक्कत हो नहीं सकती है, ये विकास हुआ है भाजपा में। तो इसलिए यहाँ की जनता पूरी तरीके से मन बनाए हुए है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से यहाँ का हमारे विधायक चुना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में युवाओं को लाठी से मारा जा रहा है, लखनऊ की सड़कों पे लोग धरना दे रहे हैं। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ जो है एक चुनाव का बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए सब किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। युवा हम भी हैं, ऐसा नहीं कि हम युवा नहीं है,
क्या कोरोना काल में हम लोग दिक्कत में नहीं रहे? ऐसा तो नहीं है ना। तो हम भी युवा हैं, हम लोग भी रोजगार चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर पहुँचा के वहाँ पे ये सब दंगे फसाद करवा के माहौल बिगाड़ने की स्थिति और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जी। चलिए कुछ और आम नागरिक है यहाँ पे, हम बातचीत करते हैं उनसे। नाम क्या है आपका? क्या होगा इस बार रसूलाबाद, क्या चाहता है? बस सोच ईमानदार काम दमदार, बस नमस्ते। मतलब कि फिर से भाजपा आएगी? क्यों आएगी भाजपा, क्या लगता है? बस वही बोल रहा हूँ भाई साहब, सोच ईमानदार काम दमदार, लास्ट बात, फर्स्ट एंड लास्ट। सोच ईमानदार और काम दमदार सपा सरकार की नहीं थे? नहीं थे। ऐसा क्या हुआ था कि जो आपको उनकी सोच ईमानदार नहीं लगती है? अब जब राजा ईमानदार होता है प्रदेश का, जब सब ऐसे विरोधी होते हैं। कहना क्या चाहते हैं कि अखिलेश यादव ईमानदार नहीं है? वो तो अपना घर परिवार बाद है उनका। क्या नाम है भैया? मलखान सिंह। क्या चाहती है इस बार रसूलाबाद की जनता? रसूलाबाद जनता भाजपा के प्रत्याशी को जिताएगी। क्यों जिताएगी? क्योंकि भाजपा अच्छा काम कर रही है। क्या क्या अच्छा काम किया अभी तक रसूलाबाद में? नंबर एक, प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद जनता को फ्री राशन मिल रहा है, तमाम सिलेंडर दिए हैं, शौचालय बने हैं, जनता के माफिक काम हुए हैं। इस तरह से कहा जाए तो ये मुख्यमंत्री के काम हो गए जो कि राज्य सरकारें देती हैं। अगर आमतौर पे हम सिर्फ रसूलाबाद की करें, रसूलाबाद की विधायिका के बारे में बात करें, तो रसूलाबाद में ऐसे क्या खास काम हुए हैं जिसपे रसूलाबाद की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करे? अरे विकास के काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, कई जगह पुलियां बनी हैं, नहर बम्बे पक्के हुए हैं, गैस कनेक्शन हुए हैं, बस यही सब काम हुए। राशन फ्री मिल रहा है जनता को। सबसे बड़ा काम तो ये है कोरोना काल में जो खाना मिल रहा है भाई, बाहर से आदमी घर पे आ गया, उसकी आमदनी हो नहीं रही है, तो इस तरह राशन तो मिल रहा है, तो जो आदमी पेट तो पाल रहा है अपना, मेन काम ये है। नाम क्या भैया? अनिल सिंह। क्या चाहती है इस बार रसूलाबाद की जनता? जनता यही चाह रही है कि बस बीजेपी जीते। क्यों बीजेपी फिर से? बीजेपी जीतने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सुशासन है और कुशासन, दोनों में डिफरेंस है। अखिलेश जी का सरकार जो जो किया, और जो बेटियों की बलात्कार इतनी बड़े पैमाने पर किया गया यूपी में, हमें लगता है कि पूरे दुनिया में उतना बलात्कार नहीं हुआ होगा। बलात्कार के आरोपी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही हो जाते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाम। तो जो जो पार्टी से निकाले गए अंततः जेल में है। आ एक बलात्कारी बाहर भी घूमते रहता था, कोई बोलने वाला नहीं था, वो भी एक सरकार था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, योगी सरकार अपना काम कर रहा है, और उससे बढ़िया अब तक सरकारें नहीं आई। एक भी सरकार आप काउंट करा दो हमें कि कौन सरकारें आई जो योगी जैसा काम की। बेटी बहन सुरक्षित है, इससे बड़ा और सुरक्षा क्या हो सकता है? हम तो सुरक्षा के पर वोट दे रहे हैं, सबसे मूल हमारा है सुरक्षा। गुंडा राज जो है वो समाप्त हो गया, और हम यही चाहते थे कि गुंडा राज समाप्त हो ताकि लोग फ्री होकर के रात बिरात घूम सके। ये बहन बेटी को लेके बात कर रहे हैं, उसी बात को लेके इस बार प्रियंका गांधी चुनाव में आई हैं। प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही हैं, और प्रियंका गांधी ये कह रही है कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, इस बार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ। पहला बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस इतना ही अच्छी पार्टी होती तो क्षेत्रीय पार्टी का विकास नहीं होता। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी होती तो आज जो क्षेत्रीय पार्टी जो है ये फैले हुए है, तो इनका विकास नहीं होता। ये भी इनका विकास इसलिए हुआ कि कांग्रेस का जो काम था वो क्षेत्रीय पार्टियां शुरू कर दी, तो क्षेत्रीय पार्टी का विकास हुआ। उन्हीं में से आ रही बात है, कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। कहां आप देख रहे हैं कांग्रेस कहां देख रहे हैं? कहीं नहीं है दूर दूर। हमें तो यूपी में यूपी में हमें लग रहा है खाता खुल जाए तो ज्यादा है। अब बेटियां तो आपको पता ही है कि बेटियां जहां है वहां विकास कर रही है। देखिए ये बेटी ही है जो खड़ी है अभी, जिनको मिला है टिकट बीजेपी से, तो हमें नहीं लगता है खाता खुलेगा कांग्रेस का। कांग्रेस का सुपड़ा पूरा साफ है, कांग्रेस बीएसपी अखिलेश जी सब जाएंगे। अखिलेश यादव इस बार मुख्य तौर पे अगर बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात करें कि हम एक साल में 10 लाख रोजगार देंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? बिजली ही वो नहीं दिए तो 300 यूनिट की क्या बात करें? आप 10 साल शासन किए उन्होंने तो क्या क्या किए सब जनता देख रही है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब देख रही है। वो कुछ मिलने वाला नहीं है, ना 300 यूनिट वो मिलेगा जो आप कह रहे हैं फ्री मिलेगा, बिजली ही है। फिर से जैसे ही योगी जी गए बिजली आना बंद हो जाएगा फिर से। हाँ आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, बड़ा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर,
भारतीय जनता पार्टी संजय सिंह का वैसे ही चरित्र है, उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, वो वैसे ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, दिल्ली से ही आए हैं ना, तो दिल्ली लखनऊ से आए हैं तो दिल्ली का भी विकास अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। हमें जब गंभीर डिजीज होगा तो मोहल्ला क्लिनिक में होगा, कि हमको एम्स से जाना पड़ेगा और सफदरजंग और वो क्या नाम है उसमें जाना पड़ेगा, राम मनोहर लोहिया में। उस मोहल्ला क्लिनिक से कोई फायदा नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं कि हम प्राइवेट, तो प्राइवेट अपने बेटे को IIT करा रहे हैं कहाँ से, बाहर भेज करके करा रहे हैं, और दूसरे को कहते हैं कि आप प्राइवेट में सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। हम पूरी तरह नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देखा हूँ कि सरकारी स्कूल में कहीं कोई पढ़ाई नहीं है आज के डेट में, करेंटली जिसको कह सकते हैं, प्राइवेट छोड़ करके सारे जितने मंत्री और जितने उनके बेटे होते हैं सब प्राइवेट में पढ़ते हैं, कोई सरकारी में नहीं पढ़ता। सरकारी में वो पढ़ता है जिसके पास पैसे नहीं है, उसका बेटा सरकारी स्कूल में ही जाएगा। और वो बार बार कहते हैं कि हमने ऐसे स्कूल को बना दिया, हाईटेक बना दिया। क्या हाईटेक आपने बनाया? तो क्या रियान इंटरनेशनल और इतने सारे बड़े बड़े जो स्कूल हैं क्या बंद हो गए क्या दिल्ली में? नहीं, वो आज भी चल रहे हैं, आज भी उनमें गरीब के ही बच्चे पढ़ रहे हैं और हमेशा पढ़ेंगे, वो कभी प्राइवेट स्कूल में जाकर नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि वो गरीब है। और आगे बढ़ते हैं, क्या नाम है भैया? मेरा नाम शैलेंद्र कुशवाहा है और मैं यहीं रसूलाबाद विधानसभा से हूँ। क्या चाहती है इस बार रसूलाबाद की जनता? रसूलाबाद की जनता आई थिंक भारतीय जनता पार्टी को, रसूलाबाद की क्या पूरे प्रदेश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को प्रेफर करती है। मैं कई जगह घूमा भी हूँ पूरे प्रदेश में, और हम बात करेंगे एक्चुअली हमें बिजनेस में, तो मैं बात करूँगा आधुनिकता की और अध्यात्म की। बीजेपी जो करती है दोनों में बना के रखती है। आई एम हिंदू रियली, इट नॉट जस्ट हिंदू, आई एम ए ब्लड, बाई ब्लड इज मे बी एवरी वन हैज द रेड, माई ब्लड इज केसरिया, माई ब्लड बाई केसरिया। सो मैं चाहता हूँ दोनों चीज़ें मेंटेन हो, भाई अध्यात्म। अगर आप भी होंगे तो आपको भी यही लगेगा, जब घर में हमारे जितने भाई लोग हैं जाएंगे सोएंगे तो फील आती है कि वी नीड, हमें अध्यात्म चाहिए, वी नीड आधुनिकता। अध्यात्म अगर हम भूल जाते हैं वो हमारी पहचान है, अगर हम उसे भूल जाते हैं तो आधुनिकता आपके काम की नहीं है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है तो आप उस चीज़ों को समझ, जो ये सरकार अच्छे से कर रही है। दूसरी चीज़, खाना सभी को मिल रहा है, भोजन जो खाना मिलना चाहिए सभी को दिया। सबसे अच्छी जब आई हैव ऑलरेडी विजिटेड ऑलमोस्ट 12 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, आई हैव माय ऑन कंपनी इन लिथुएनिया यूरोप, सो आई हैव सीन देयर कि डेवलपमेंट इज जस्ट नॉट लाइक कि उसके लिए बेसिक चीज़ें चाहिए। वी नीड रोड्स, वी नीड गुड कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड ए बेटर एजुकेशन सिस्टम to develop the country, to develop a state. Before BJP, जब भी हम बाहर ट्रेवल करते थे तो जब भी बाहर से आते थे या तो हम दिल्ली एयरपोर्ट उतरते थे या फिर मुंबई एयरपोर्ट उतरते थे। समटाइम आई वेंट केरला, सो केरला इज वेरी स्मॉल स्टेट, आई हैव सीन देयर कि देयर 4 or 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज देयर, बट इन यूपी दैट टाइम आई वॉज थिंक देयर इज नो एयरपोर्ट, ओनली लखनऊ वाज ऑपरेशन देयर। योगी जी के आने के बाद आई थिंक 10 एयरपोर्ट इज गोइंग टू ऑपरेशनल सून, और अभी भी 6 ऑलमोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर ऑपरेशनल। ये आधुनिकता की बात है। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, हमारे यूपी में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे तो अध्यात्म की, अगर टूरिस्ट के पर्पज़ से आप देखें तो हमारे यूपी में हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है यूपी सरकार, और पब्लिक को भी, ऑफकोर्स सरकार करेगी तो पब्लिक को इनकम होती है। राम मंदिर का निर्माण होगा तो आई थिंक ए बिगेस्ट बूम इन द इकोनॉमी, उसके आसपास बड़े बड़े होटल्स आएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, बिजनेस हब बनेंगे, इवन जो छोटा रेहड़ी वाला भी है ही विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट। एक क्वेश्चन पे आपके क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आपने शुरुआत में कहा कि माय ब्लड इज केसरिया, ठीक, तो क्या इस बार का चुनाव सिर्फ धर्म के नाम पे होगा? क्योंकि जब ये केसरिया आ जाता है ब्लड में, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदुओं को लेके बात कर रहे हैं आप, ठीक, तो क्यों जहां पे मुस्लिम भी रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है कि सारे धर्म को मिला के हमारा देश बनता है, तो उसमें सिर्फ केसरिया की बात क्यों? मैंने इसलिए बोला, मैंने वो अपने लिए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि सर, मैंने अपने लिए कहा कि माय बाइडन, कि मैं हार्डली सपोर्टर ऑफ दिस, मेरे लिए देखिए चुनाव क्या सिर्फ एक धर्म पे होना, ना चुनाव सभी धर्मों के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार भी जो कर रही है वो सभी के लिए कर रही है। आप देखिए रोड अगर बनता है, अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि ओनली बीजेपी वर्कर्स कैन यूज दिस रोड, सारे लोग जा सकते हैं, उससे सबको फैसिलिटी है। मैं बहुत सारे हमारे मुस्लिम हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इट्स नॉट लाइक जस्ट बिगेस्ट और वे डैम सपोर्टर ऑफ बीजेपी, वो इसलिए, जबकि आज से कुछ साल पहले वो नहीं होते थे, हम बैठते थे उनको लगता था नहीं, लेकिन आफ्टर योगी जी के आने के बाद उन्होंने देखा सुशासन सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जिसको आप जैसे कई भाई लोगों ने बोला, बड़े भाई ने भी बोला, जो गुंडागर्दी जिसको आप बोलते हैं, तो मैं मोस्टली दिल्ली आता था तो वहाँ से मोस्टली नाइट में ट्रैवल करता था एक्सप्रेस वे से, तो पहले कुछ ना कुछ होते रहते, लेकिन अब हम रात में 2 बजे 1 बजे, तो कल मैं दिल्ली से आ रहा था, मैं स्पेशली मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं स्पेशली
इनके कैंपेन के लिए आया मैं मैडम के दिल्ली से, तो मैं आ रहा था रास्ते में कोई फूल वाला था तो वो ले जा रहा था अपनी गाड़ी पे, तो एक ढाबे पे हम चाय पी रहे थे तो ऐसे ही उससे बात होने लगी। तो वो बोला कि अब हम पैसे लेके, मतलब अपनी भाषा में बोला यूपी वाला कि भैया अब हम पैसा लेके दिबियापुर से और हम जा रहे हैं कानपुर आई थिंक रामा भाई, तो फूल लेने जा रहे हैं तो अब लेकिन डर नहीं है, मतलब डर नहीं है। तो वो किसी के लिए, हमने उसके नाम नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, वो कौन था आई डोंट नो, मैंने नाम भी नहीं पूछा रियली। भाजपा सरकार में वो खुद को सुरक्षित मानते, सुरक्षित मानते, तो इसमें कोई भी हो सकता है, इसमें नॉट डर लाइक कि हिंदू हर जाति हर किया भी सबके लिए, आप ऐसा नहीं कह सकते, हर धर्म हर जात के लिए किया भी है सरकार ने और बहुत अच्छा कर रही है विकास जो है। अगर जैसे लोग उनको चार चार बहुत सारी चीजें लोग अभी भी बोलते हैं हमें ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो देखिए हमने सबको चार चार टर्म दिए, तीन टर्म दिए योगी जी को, ये फर्स्ट टर्म है, हम देंगे, हम उनको भी देते हैं, हम योगी जी को भी दो टर्म तीन टर्म चार टर्म लाइए, इतना विकास हुआ आगे भी होगी, अच्छी सड़कें बनेंगी, अच्छे कॉलेज बनेंगे, अभी देखिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बने, गोरखपुर का ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया और भी ढेर सारे, तो ऐसी चीजें बढ़ेंगी, देश का विकास होगा, जो युवा है उसको रोजगार मिलेगा, लेकिन जब बेसिक चीजें ठीक होंगी, जब बेसिक नीड्स से हुई तभी देश का कुछ होगा। सुरक्षा बहुत जरूरी है और धन्यवाद आपने इतना टाइम। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग हैं भैया, नाम बताइए अपना। सत्येंद्र कुशवाहा। सत्येंद्र कुशवाहा। सत्येंद्र जी क्या होगा इस बार, क्या लगता है रसूलाबाद क्या चाहता है इस बार? रसूलाबाद क्या, पूरा यूपी में भगवा लहराएगा सर, और जो काम है उसी के बेस पे वोट होगा इस बार, और कोई जात कोई धर्म नहीं। और सबसे बड़ी चीज एक ये है कि इस बार चुनाव में जो हट के लग रहा है मुझे, तो हर बार चुनाव होते थे विधानसभा चुनाव तो देखते थे जाली वाली टोपी बहुत नजर आती थी, शायद इस बार आपको जाली वाली टोपी किसी भी बड़े नेता के, और या अखिलेश जी हों या मायावती जी हों या राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी हों, किसी के भी सर पे जाली वाली टोपी नहीं है। तो इसका मतलब देश बदल रहा है और सब कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलाव होगा इसके लिए। ऐसे तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आप बस ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हिंदुओं के लिए काम करती है क्या? सिर्फ आप हिंदू नहीं, हर किसी धर्म के लिए, सिर्फ हर किसी का होता है। एक मुसलमान का नेता होता है उसको लोग बोलते हैं कि कट्टर मुस्लिम है, सिख का नेता होता है लोग बोलते हैं कट्टर सिख है, जब हिंदू मुसलमान कट्टर हो सकता है, सिख कट्टर हो सकता है, तो हिंदू कट्टर नहीं हो सकता है, गलत तो नहीं है ये। हम अपने धर्म पे, चुनाव धर्म पे नहीं है, अगर जो लाइट आती है किसी गाँव में भी लाइट 20 घंटे आ रही है तो वहाँ पे मुसलमान नहीं रह रहा है, मुसलमान के एरिया में लाइट काटी तो नहीं जाती है, मुसलमान भी उसी लाइट में रह रहा है, उसी में हिंदू रह रहा है, तो वो सबके लिए सब कुछ बराबर हो रहा है। लेकिन मेन चीज़ है कि बदलाव जो हो रहा है वो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़। और लोग हैं, बातचीत हम करते हैं, दादा नाम राम कुमार सिंह, क्या चाहता है रसूलाबाद, किसे अपना विधायक बनाए? बीजेपी को। तो बीजेपी को, बीजेपी काम अच्छा करती है, बढ़िया काम है, अखिलेश जी नहीं करते, वो मजा नहीं है, जातिवाद है उसमें भाई, जातिवाद लगा रखे हैं इसलिए। इनके ऊपर भी तो बड़ा आरोप लगता है, इनको कहते हैं लोग ये सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास है इनका। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। जी जी। तो ये रसूलाबाद विधानसभा की जनता है, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, यहाँ पे कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, कुछ आम जनता थी, लोगों से हमने बातचीत किया, लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें ये लोग खुश है, आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और जब 10 मार्च को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा।